ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित राज्य स्वास्थ्य प्रबंधन एवं संचार संस्थान ग्वालियर में कोल्ड चेन हैंडलर्स का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भोपाल NHM से डिप्टी डायरेक्टर विपिन श्रीवास्तव विशेष रूप से मौजूद रहे। यह बता दें कि ग्वालियर में नेशनल रिसोर्स सेंटर का स्थापना भी की जा रही है, इसको लेकर तैयारियां जारी हैं। यह सेंटर देश में 3रा सेंटर होगा, इससे पूर्व 2 सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस सेंटर के बनने के बाद देश भर से टीकाकरण से जुड़े हुए अधिकारी यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने आज विपिन श्रीवास्तव से बात की, जिन्होंने बताया कि आज के प्रशिक्षण में किस तरह की प्रमुख भूमिका रही, वहीं नेशनल रिसोर्स सेंटर बनने के बाद किस तरह का लाभ यहाँ के लोगों को होगा। सर, आज 2 दिवसीय वैक्सीनेशन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, आज यहाँ पे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में जितने 24 हमारे कोल्ड चेन फोकल पॉइंट हैं, यहाँ पूरे ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के जो बेनिफिशियरी हैं, प्रेगनेंट वुमेन हैं, 0-1 ईयर जो बच्चे पैदा होते हैं, उन सबकी वैक्सीन, यदि पोलियो, मेजर, डीटी, इनको पर्टिकुलर एक टेम्परेचर में रखना पड़ता है, उसका वहाँ पे जो रख रखाव है उनका एक स्पेशल यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इनको ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जो नई वैक्सीन भी आ रही है और इनको कैसे टेम्परेचर में रखना है, कैसे रिकॉर्ड कीपिंग करना है, कैसे डिमांड करना है और वेस्टेज कैसे हो रहा है, ये इनको बता रहे हैं। जिससे हमारा अगर वैक्सीन वेस्ट ये कम से कम होगा तो हमारा नेशन का फ़ायदा होगा। सर, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि COVID-19 के समय में काफ़ी वैक्सीन देखने में आया ख़राब हो गई थी जानकारी के अभाव में, तो ये अच्छी पहल कही जा सकती है। नहीं, वैसे कोविड में हमारा, क्योंकि मैं स्टेट लेवल पे देखता हूँ, हमारे पास 13 करोड़ डोज वैक्सीन आई थी, जिसमें हमने अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज ये 12 करोड़ जो डोज दिए थे हमने, 12 करोड़ 60 लाख दिए थे, जबकि भारत सरकार ने इसमें हमको 10% वेस्टेज दिया था। तो हमारे जो हेल्थ वर्कर ने एक वायल में से 11 डोज भी निकाले थे, आपने सुना होगा, है हमारे कैलकुलेशन में है, तो इसमें कोई भी वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुई है। और उसमें प्रॉपर कोल्ड चेन में प्रॉपर पोटेंसी वाली वैक्सीन हमारे सब बेनिफिशियरी को लगी थी कोविड में। और ये भी जो रूटीन का है, ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, नियमित टीकाकरण में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में, सब सेंटर में मंगलवार शुक्रवार को सेशन लगते हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वैक्सीन समय पर पहुँचे और हर बच्चे का टीकाकरण हो और जो हम लोग 100% हमारा टीकाकरण होना चाहिए। एक नेशनल रिसोर्स सेंटर भी सर यहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसमें क्या जैसे इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत दिल्ली और बॉम्बे में एक नेशनल रिसोर्स सेंटर है, ऐसा ही इस साल हमारा PIP में ग्वालियर को सेलेक्ट किया गया है कि यहाँ पे हम एक कोल्ड चेन लैब बना रहे हैं जिसमें सभी इक्विपमेंट रहेंगे, जिसमें हमारे जो कोल्ड चेन टेक्नीशियन का रिपेयर मेंटेनेंस के साथ हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं वो प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि समय समय जो WHO यूनिसेफ के प्रोटोकॉल आ रहे हैं उनके अनुसार कैसे वैक्सीन रखना है, जाके वो फील्ड में रखें और हितग्राहियों को अच्छी जो क्षमता वाली वैक्सीन मिले। इस सेंटर में सर पूरे देश भर से लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने आएंगे? हाँ, इसमें इसको अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी तो मध्य प्रदेश में हमारे पास जो कोल्ड 54 कोल्ड चेन टेक्नीशियन है और 1300 फोकल पॉइंट है, उनके स्टाफ आएंगे और धीरे धीरे अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेंगे, जिससे इस जो हमारा ये सेंट्रल लैब है ये एक नेशनल लेवल पे मानी जाए। कब तक सर ये हमारा PIP में आ गया? अभी 50% तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि उसमें हमने लिखा है कि जो टीचिंग क्लास है हमारा स्टेट स्टूडेंट है यहाँ देंगे और जो प्रैक्टिकल है जो हमारा रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ WIC ILR वैक्सीन के स्टेबलाइजर हैं उनके लिए हम एक लैब बना रहे हैं। कल हमारा सब इंजीनियर से डिस्कस हो गया, एस्टीमेट बन गया है और ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे।